अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज जो है साल का लास्ट डे भी है और आज सैटरडे है और काफ़ी दिन से यार व्लॉग नहीं आया, बीच में एग्ज़ाम आ गए थे और फाइनली आज जो है, आज भी कुछ इतना ख़ास नहीं है बट आई थॉट के जो है व्लॉग बना लेते हैं। वैसे इस टाइम मैं खड़ा हूँ यार, बाहर घूम रहा हूँ, ये मेरा रूम है बाय द वे और हॉस्टल बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, मास भी नहीं है, असनैन भी नहीं है। वैसे दिन को कभी हॉस्टल का जो है मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो बेसिकली ये जो है सारे रूम्स हैं और ये पानी है और ये बाय द स्टडी रूम है और यहाँ जो है इधर से बाहर जाते हैं। यार रात को बहुत सर्दी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा मौसम होगा, लेकिन जो है दिन को जो है आज जो है काफ़ी अच्छा मौसम है। यार आपका कैसा गुजर रहा है साल का लास्ट दिन? हमारा तो नहायत बोरिंग गुजर रहा है, ठीक है, इधर बैठे हैं बस, कभी धूप लगाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, हम गए खाना वगैरह खाए। हम वैसे आज लेट उठे थे, तकरीबन 11 बजे उठे हैं, गए खाना वगैरह खाए, अभी हम लोग जो है बस बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो वो मैं आपको रूम में जाके बताता हूँ। चलो यार रूम में चलते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ए क्या होता है? ये कांस्टेंट है। बी क्या होता है? टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी क्या होता है? आ जाती है न्यायत पढ़ने वाली आवाम जो कि अपनी स्टडी में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, अब पता नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या क्या चल रहा है। वाली नहीं, वो मुझे समझा रहे। तो ये किताब तो आपने खोली हुई है, वो तो मूवी देख रहे हैं भाई साहब, तो ये जीनियस है, ये मूवी देख के पढ़ चुका हूँ और वो अभी पढ़ रहे हैं तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। वाह जबरदस्त यार, मौसम ऐसे रात को इस तरह था कि ये आप देख सकते हैं अफान की हालत, कि इसने तीन तीन कंबल लिए हुए और ऊपर ये चादर भी डाली हुई है। और यार गैस बताए कमरान बात सुनो, लोग जो है ना आज सारे स्टेटस लगा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज, गैस को एक मिनट पॉज करना, मेरी बात सुनो। अब आवाज आई है साले, मैं ये कह रहा हूँ कि पता है सारे स्टेटस लगा रहे हैं, ये वो सारा सीन चल रहा है, कोई नया साल मना रहे हैं, तो हमारा क्या सीन है यार, हम इधर बैठे हुए। ये मेरे कर्टन से आप यूटी मर्दान में है, अब तू खुद सोच यूटी मर्दान में आपके नए साल के जश्न का क्या सीन हो सकता है? सेम ही होगा, वही साल गुजरेगा जो पहले गुजरा है, तो हमने वही करना है, यही चरपाई होगी। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस, वो लोग स्टेटस लगा रहे हैं लंबे चौड़े, सारी यूनिवर्सिटियों की पूरी छुट्टियां हैं, एक हफ्ते की छुट्टियां मिली थी, नए साल की खुशी भी मना सकते हैं उसमें। मैं कुछ कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है ना, हम इंसान नहीं है, हमें एलियन समझा है, सर्दी नहीं लगती, हम कोई लोहे के बने हुए मखलूक है या हम पता नहीं पत्थर के बने हुए मखलूक है या मिट्टी, नहीं मिट्टी के इंसान तो है। ये हमारे साथ क्या जुलम हो रहा है, हमें भी सर्दी लगती है, हमारे भी ऐसा साथ है। ये यूनिवर्सिटी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, कमरान बेचारा रो रहा है और ये मेरी गर्दन सीधी नहीं हो रही, मेरी हालत देख लें, शक्ल देखें, ये शक्ल देख लें, ये हालत हुई है और छुट्टियाँ नहीं मिले दूसरी यूनिवर्सिटीज में, एक्सटेंड हो रही है वैसे इसकी, दूसरी यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ एक्सटेंड हो रही है। मैं ये नहीं कहता, मैं हर किसी नहीं कहता कि हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ाई में पीछे है या जो भी, लेकिन क्योंकि इंसान है हम, एक वो होता है, इससे उल्टा हमारी पढ़ाई खराब होगी जब इंसान अपने एक लेवल से ऊपर उसको फोर्स किया जाता है तो उसमें प्रोडक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अच्छा क्या उसमें प्रोडक्टिव अप्रोच खत्म हो जाती है, फिर वो इंसान सिर्फ एक मशीन की तरह काम करने लग जाता है, जो उसको कहा जाता है वो करता है। तो हमारा कोई साथ यार, ये हमारा रूम है ठीक है, इधर जो हमने ये लगाया है स्टार्स, ये ग्लिटरिंग स्टार्स है, रात को जो है ये बड़े मज़े के लगते हैं। और ये रैम वो कंप्यूटर वाली रैम नहीं है, अफान और मुनीब, और इस पे खैर हमारी काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी वार्डन से, लेकिन ये कि ये लगे हैं, ये जो है हमने जुगाड़ लगाया था कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे जब हम सो रहे हों, लेकिन इसका आई होप कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। कमरान भाई इस टाइम जो है ना हमें बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो एज अ अच्छा स्टूडेंट क्या मशवरा देना चाहेंगे नए साल के लिए स्टूडेंट्स को? एक तो ये चीज़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलता, आप सिर्फ स्लाइड ही पढ़ सकते हो, आपको इतना ही टाइम मिलता है, सही है, या तो आपको कुछ कुर्बानी देनी होगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा जरूरी नहीं है वो कंपलसरी रखे हुए होते हैं, जैसे कि मतलब पाकिस्तान, लेकिन आज तक हमें अपनी पाकिस्तान की तरफ से पता नहीं चला। गाइस बाय द वे आई विल मेक अनदर वीडियो यार, जो स्पेशली जूनियर्स मुझे देख रहे हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम पे और ज़रूरी होता है ग्रेडिंग सिस्टम को समझना, ठीक है, अगर आप अच्छे से स्मूथली जाना चाहते हो, ठीक है। हाँ तो फिर स्लाइड पढ़ना होता है, उससे आप टॉप भी कर सकते हो सिर्फ स्लाइड पढ़ के, तो अगर आप टॉप करने की नियत से आते हैं तो आप स्लाइड अगर सिर्फ पढ़े तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ सीखने की नीयत से आए हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बुक्स पढ़नी होगी। ये मैं भी कहना चाहूँगा यार, मेरी तरफ से यही टिप है कि कभी भी जो मेरे सीनियर ने मुझे कभी बताया था उससे बड़ा फायदा हुआ है, और मैं भी आप लोगों को यही बताऊंगा, स्पेशली जूनियर्स जो हैं टीचर्स, हाँ हमारी बुक भी जो है उसका भी नाम है टीचर टीच डेटा स्ट्रक्चर योरसेल्फ,
इन 24 आवर्स भी लिखा हुआ है। अच्छा, और वो अभी अभी तक एक महीना हो गया हमारे, वो 24 घंटे पूरे नहीं हुए, इतनी मुश्किल बुक। खैर, ये है कि आपने यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट कभी नहीं हो। इंजीनियर कौन होता है जो अपने नॉलेज को यूज करके डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? तो अगर अच्छा, खैर यार, ये तो पढ़ाई की बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। आखिरी देखो यार, हमारा मसला ये, हम इंजीनियर इधर ऐसी की तैसी, मेरे दोस्त उधर जो स्पेशली जो फॉरेन में है ना, वो भेज रहे हैं, पता नहीं कोई ना माहौल बना हुआ है, कोई बत्तियाँ लगी हैं और इधर ये चल रहा है, एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं उधर। और मैं देख रहा हूँ कि सोचते कैसे, प्लानिंग कैसे करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे, मतलब मूवी देख के। अपने डीएसपी को मैं पहले पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी अलर्ट कर लीजिए, अभी ये कमरान साहब ने मनी हाइस देख लिए, अब बैंक जो है कोई ना कोई जो है, अगर कोई मसला होता है तो वो ये कमरान साहब करेगा। Few moments later. अच्छा, तो गैस ये जैद भी आ गए, कमरान इधर ऑलरेडी मौजूद है, तो डिस्कशन ये चल रही है कि बास्केटबॉल का गुड प्लेयर कौन है। तो टीम्स बन गई हैं, ये और जैद है, और मैं ये वो बंदा है जो बचपन से खेलता आ रहा है, और ये कल टीम को हरा गया है। पहला मैच था मेरा और मेरा डेब्यू था। और तू, मैं तेरा तो 500वां मैच था, पता नहीं तू कुछ कह रहा था। मैं इतना भी पुराना प्लेयर नहीं, मैं खेलता रहा हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी हार्ड लक हो जाता है, वो अलग बात है, मेरे साथ अक्सर होता है, लेकिन चलो यार चलते हैं। ओए कमरान उठ, बास्केटबॉल निकाल। अस्सलामुअलैकुम भाई, जूनियर्स की क्लासेस स्टार्ट हैं, हमारे नए जूनियर्स आए हैं, जिनमें बहुत प्यारी हमारी जूनियर्स लड़कियां भी आई हैं, जरा उनसे इंटरव्यू लेते हैं। भी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्लासेस कैसी जा रही है? तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया भाजी। रुके बाजी तो गिरा रही है। अब कौन कर सकता है ये गेम, कौन जीत पाता है? जबरदस्त यार। अब आप जरा बॉल को छोड़ें और इधर आओ, अब बताओ आप क्या कहना चाहोगे? हार जीत होती रहती है, ये इसमें कोई बेस्ट प्लेयर या कमजोर प्लेयर नहीं होता। अच्छा, इसमें सब कुछ सब कुछ जिसने मेहनत ज्यादा की होती है और वही जीत जाता है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगा, हार्ड लक होता रहता है जो इसका ऑलवेज होता है। प्रैक्टिस भी नहीं थी काफी अरसे से, कमरान माशाल्लाह खेलते रहे। A few moments later. To you. Happy birthday to you. अब ये पता नहीं किधर से टपक गया, अभी अभी बता दे तू किधर से आया, क्यों आया, कैसे आया? ये हॉस्टल में नहीं था, घर गया हुआ था, पता नहीं क्यों आ गया और अब वापस निकल। हाँ, ट्रीट भी नहीं दे रहा, कह रहा वापस घर जाऊंगा। मैं इमरजेंसी में गया था पेशावर, कुछ काम था और अभी आया हूँ पेशावर से, और अभी इंशाल्लाह जा रहा हूँ घर। चलो फिर, मैं खैर से अब वापस कब आएगा हॉस्टल? परसों या कल? मंडे को मे बी। केक वही ना यार, कोई केक उठा के ले आता था। कौन बर्थडे बॉय का कब से केक खरीदने लगे भाई? वो बाकी गिफ्ट लाते होते हैं, तो तू कौन सा है? तो गिफ्ट मिला हुआ, केक भी पहले ही जो है। अच्छा गाइस, अभी यार 8 बज गए और बीच में हम खाना खाने गए और उसका क्लिप नहीं बना सका, तो ये कि खाना वगैरह खा लिए, अभी वापस आए हैं बस। तो ये था हमारा आज का यार बोरिंग दिन। आज के ब्लॉग से जो है ना ये सबक मिलता है, यार कुछ भी हो तो शुगल शगल लगाए रखना चाहिए, ठीक है, और पढ़ाई को भी जारी रखना चाहिए, पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और यार एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा यार, थैंक यू सो मच गाइस, अपनी सारी ऑडियंस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर सपोर्टिंग एंड ऑल योर लव, और इस तरह सपोर्ट करते रहें यार। 190 जो है सब्सक्राइबर्स हो गए, और यार 200 तक पहुँचा दें, कुछ शेयर वगैरह करें, ठीक है, तो ताकि जो है ना
हम सब ग्रो करें मिल के साथ साथ। अच्छा दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। यार अभी तक 60% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो वैसे इस टाइम के बाद अफ़ान एक घंटे तक जो है भाभी की यादों में रहते हैं। अफ़ान ऊपर हो जाइए, अपनी शक्ल का दीदार करवाइए। ये कफन नहीं है, चादर है। अच्छा तो क्या, अच्छा नीचे भाभी से बात चल रही है अंदर? हो कोई बात नहीं चल रही, कोई भाभी भी नहीं है। आए रोना नहीं यार, अरे हमारी अपनी यही हालत है। अभी नई सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगा, वीडियो सीरीज़, ठीक है, जिसमें आई विल एक्सप्लोर मर्दान। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मर्दान विद मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।